मैं सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर, विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। उससे पहले आपको एक बात लिखवानी है, लिख लीजिएगा। एक आप ऐसा बॉक्स बनाइए अपनी कॉपी में और वन लाइन में आप लिख लीजिएगा कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है और सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है। तो आप देखिएगा, यदि सॉल्यूट की मात्रा कितनी हो, सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यदि सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से कम होती है तो उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यदि सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के बराबर होती है तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर से। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें मैं आपको बता रही थी पार्ट ऑफ सेल, पार्ट ऑफ सेल में मैं आपको बता चुकी थी सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बता चुकी थी। तो आपका दूसरा पार्ट है आज, कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि कोशिका भित्ति सिर्फ किन कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट सेल्स में, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जंतुकला और पादप, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो मैंने आपका एक प्लांट सेल लेके रखा हुआ है, देखिए आप इस प्लांट सेल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ा चुकी हूँ मैं वही बताऊँगी। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है, फिर आपकी है ये सेल वॉल, फिर आपकी ये है क्या, वैक्यूल, क्या ये धानी, रसधानी, ठीक है। फिर आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में केंद्रिका होती है, ये आपके लवक हैं, प्लास्टिड हैं, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपना, बना लीजिएगा। अब आते हैं कोशिका भित्ति पे। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रही हूँ, बॉक्स बना के नोट कर लीजिएगा। कोशिका भित्ति को एग्जो स्केलेटन कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जो स्केलेटन, बाह आवरण। ये सेल का क्या होता है, बाह आवरण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्जो स्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है। या हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट सेल, फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट सेल, क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट सेल। फ्रेमवर्क का मतलब समझ गए, आप कोई फोटो बनवाते हैं तो उसका फ्रेम बनवाते हैं, है ना, तो सेम टाइप, फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट, नोट कर लीजिए। अब आते हैं आपकी कोशिका भित्ति पे। देखिए कोशिका भित्ति की जो मोटाई होती है आपकी, वो होती है 0.1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक। आपकी कोशिका भित्ति की मोटाई आपसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 0.1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होती है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति पाई किस किस में जाती है, मैंने बोला प्लांट में, किस में, प्लांट में, बैक्टीरिया में और फंगाई में, ठीक है, कवकों में पाई जाती है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति के कैरेक्टर, ये क्या है आपके गुण हैं, ये क्या है, बताते हैं कि कोशिका भित्ति के गुण क्या होते हैं, गुण, सेल वॉल के गुण क्या होते हैं। गुण को आप बोल सकते हैं कैरेक्टर बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा बता देती हूँ आपको, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्लांट्स में पाई जाती है, जैसे अपनी नॉर्मल पेड़ों पे छाल होती है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्क, है ना, तो यही है। तो वो कैसी होती है आपने देखा होगा, बहुत कठोर होती है, कैसी होती है, कठोर होती है, और कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, कठोर भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है, और आपकी कैसी होती है, वो टर्जिट होती है ना, एकदम उसमें तनाव होता है, ठीक है, सीधी रहती है, और क्या करती है, एक सेप देती है, क्या करती है आपकी, वो एक सेप देती है सेल को, क्या देती है कोशिका भित्ति, एक सेप आकार प्रदान करती है, जड़ता देती है, है ना। तो आपकी ये उसके गुण हो गए, पहला गुण हो गया आपका निर्जीव होती है, दूसरा आपका ये हम बता रहे फ्रीली परमिएबल, कोशिका भित्ति कैसी होती है, फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल में सबसे बड़ा अंतर, सिलेक्टिव परमिएबल है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो निश्चित करती है किन पदार्थों को अंदर ले जाना है, किन को नहीं ले जाना है, लेकिन आपकी जो सेल वॉल होती है वो सबको अंदर ले जाती है और सबको बाहर कर देती है, कोई भी पदार्थ आए कोई भी जाए उसमें सिर्फ वो परमिएबल है, पारगम में है, लेकिन सिलेक्ट नहीं करती है कि किसको अंदर किसको बाहर करना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, फ्रीली परमिएबल, ठीक है, और क्या होती है इसमें, टर्जिटी होती है, और ये क्या देती है, सेल बॉल, सेल को सेप देती है, ठीक है, ये आपको हम बाद में बताएंगे ये वाला। तो चलिए अब आपको अगर लिखनी है इसकी डेफिनेशन, आपकी हिंदी चलाएं यहाँ पे हम,
आपको इसकी क्या लिखनी है, परिभाषा। तो परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, सभी पादप कोशिकाओं में क्या लिखेंगे, लिखिएगा सभी पादप कोशिकाओं में, कोशिकाओं में, पर कौन सी सेल्स को छोड़ देंगे, जनन कोशिकाओं को, कौन सी कोशिकाओं को, जनन कोशिकाओं, कोशिकाओं को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर। तो आई बात समझ, आपकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस में होती है, सभी पादप कोशिकाओं में, सिर्फ किन कोशिकाओं को छोड़कर, जनन कोशिकाओं को छोड़कर, सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो निर्जीव होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब पारगम्य होती है, ठीक है, और कैसी होती है, कड़क होती है, दृढ़ होती है, है ना, जो कोशिका को क्या करती है, आकार प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है, ठीक है। ये आपकी हो गई डेफिनेशन कोशिका भित्ति की। अब आते हैं कि आपकी जो ये कोशिका भित्ति होती है ये बनी किस चीज़ की होती है, तो ये आपकी देखो मेनली किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन इसको हम तीन में बता सकते हैं, आपको तीन पदार्थों से मिलकर बनती है। जैसे क्या है, पहला तो आपका मेनली हो गया सेल्यूलोज, ठीक है, दूसरा है हेमी सेल्यूलोज, तीसरा है आपका पेक्टिन, ठीक है। ये मैं आपको अपने मन से बता रही हूँ, आपके सिलेबस में है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है, मैं बोल रही हूँ किसकी और बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की, ठीक है, और मैं किसकी बोल रही हूँ, पैक्टिन की, मैं किसकी बोल रही हूँ, पैक्टिन की, ठीक है। ये थोड़ा आपके लेवल से ऊपर है लेकिन ज़रूरी है इसलिए बता दिया है। तो कोशिका भित्ति का कंपोजिशन क्या हो गया, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के अलावा कोई बोल दे और क्या होता है तो बोल देना कि हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं आपके हम फंक्शन पे, आपके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कोशिका भित्ति के कार्य, ठीक है, फंक्शन कार्य, पहला कार्य आपका क्या हो जाएगा, यह है कोशिका को आकार प्रदान करती है, ठीक है, क्या करती है, आकार प्रदान करती है। आपका दूसरा पॉइंट हो गया, क्या करती है, ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है, क्या हो गया, पहला हो गया आपका सेब, ये कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है, दूसरा हो गया खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जब खाद्य पदार्थ जाते हैं तो वो कैसे होता है उसका ट्रांसफर, सेल वॉल के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा, ठीक है, आपका ये हो गया। और कोशिका भित्ति क्या करती है, आपकी कोशिका भित्ति सेल को क्या देती है, स्ट्रेंथ देती है, क्या देती है, दृढ़ता, क्या देती है, दृढ़ता देती है, दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है, और क्या करती है आपकी सेल स्ट्रेंथ, दृढ़ता देती है कोशिका को, ठीक है। अब आते हैं, मैंने आपको ये स्टार पॉइंट दो लिख के रखे हुए हैं, प्लाज्मोलाइसिस और प्लाज्मोडेस्मेटा। तो पहले मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। प्लाज्मोलाइसिस जीव द्रव संकुचन, क्या होता है, जीव द्रव संकुचन। तो इसमें क्या होता है, जीव द्रव संकुचन में, मैंने कल परासरण की क्रिया बताई थी, हाँ बताई थी, तो परासरण की क्रिया में क्या होता है कि जैसे कोई कोशिका है ये सेल है मान लीजिए, अगर इसका क्या हो जाएगा, परासरण हो जाए, बाह परासरण, क्या हो जाए, बाह परासरण, इसका जो जीव द्रव है मान लो वो कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया, तो ये कोशिका कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी,
तो इसी कोशिका के सिकुड़ने को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य संकुचन। यानी जीव द्रव्य कम हो गया, बाहर निकल गया, बिल्कुल संकुचित हो गई कोशिका, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको साफ कर रही हूँ, है ना? तो फिर मैं आपको ये टर्म बता दूंगी, प्लाज्मोलाइसिस। अब आते हैं किस पे? प्लाज्मोलाइसिस पे, ठीक है? तो मैं ऊपर लिखूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना? स्टार पॉइंट या की पॉइंट करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आते हैं आपके हम प्लाज्मोलाइसिस पे। किस पे आते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है? प्लाज्मोलाइसिस क्या बोलते हैं इसको? जीव द्रव्य संकुचन। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य संकुचन। जब कोशिका से जीव द्रव्य बाह्य परासरण के द्वारा बाहर निकल जाता है और कोशिका कैसी हो जाती है? संकुचित हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है? प्लाज्मोलाइसिस यह क्रिया किसके द्वारा होती है? एक्सोस्मोसिस। किसके द्वारा होती है? एक्सोस्मोसिस के द्वारा, ठीक है? तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैंने बोल दी है। जब कोशिका से जीव द्रव्य एक्सोस्मोसिस के द्वारा बाहर निकल जाता है और कोशिका संकुचित हो जाती है, तो इस क्रिया को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। और इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? इस घटना के बाद जब सेल आपकी संकुचित हो जाती है तो क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब आपसे कोई पूछ दे अगर कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होती है, तो आप बताएंगे जब कोशिका से कोशिका द्रव्य बाह्य परासरण की क्रिया द्वारा बाहर हो जाता है और प्लांट यानी पादप कोशिका सिकुड़ जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। और इस कोशिका को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है? अब आते हैं आपका दूसरा है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा भी हम बता दें क्या होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा आपके क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर किसमें होते हैं? सेल वॉल में। ये आपकी सेल वॉल है, मैं इसमें पोर बनाए दे रही हूँ। ये आपके मान लीजिए पोर हो गए, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सेल वॉल में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा भी छिद्रों से क्या होता है? जो आपका जीव द्रव्य है, ये भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो परमीएबल है ना, सिलेक्टिवली परमीएबल। तो इससे क्या है, इन छिद्रों से आपका जो क्या होता है, एक सेल से आपकी ऐसे दूसरी सेल जुड़ी है। मान लिया आपकी ये एक सेल है, इससे जुड़ी हुई आपकी क्या होगी? दूसरी सेल होगी, है ना? ऐसे दूसरी सेल जुड़ी होगी। तो एक कोशिका से जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो किससे होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा से होता है। तो आपसे पूछा जाए प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, तो यह क्या होते हैं? सेल वॉल पर पाए जाने वाले छिद्र, पोर। क्या होते हैं? पोर, जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है? तो आपकी ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या हो गए? सेल वॉल पर पाए जाने वाले छोटे छोटे से छिद्र, जो क्या करते हैं? एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है? तो इनका ये कार्य हो गया, ठीक है? तो आपकी मैंने कोशिका भित्ति आपको कंप्लीट करवा दी है, सेल वॉल, ठीक है? तो मैं क्विक रिविजन दे रही हूँ सेल वॉल का। कोशिका भित्ति में क्या होता है, इसकी मोटाई होती है 0.1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक, ठीक है? कोशिका भित्ति के गुण क्या होते हैं? नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमिएबल होती है, टर्जिटी होती है इसमें, ठीक है? और क्या होती है, ये ट्रांसफ़र करती है पदार्थों का, है ना, फूड पार्टिकल्स का
ट्रांसफ़र करती है। अब आते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन, कंपोजिशन कोशिका भित्ति का क्या होता है, किससे मिलकर बनी होती है, ये सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है मेनली, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और मैंने फिर आपको बताए थे सेल वॉल के कार, कार में सबसे पहला कार क्या होता है, ये उसको आकार प्रदान करती है, दृढ़ बनाती है, दृढ़ता प्रदान करती है और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है, ठीक है। ये आपके उसके गुण हो गए थे। फिर मैंने आपको बताया प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य संकुचन की क्रिया क्या होती है, किसके द्वारा होती है, एक्समोसिस के द्वारा होती है। और जब जब ये क्रिया हो जाती है उसके बाद उस कोशिका को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है, संकुचित कोशिका हो गई, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, सेल वॉल पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनका कार्य क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। द्रव्य को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी अगर कोशिका द्रव्य आ जाता है और आ जाता है जीव द्रव्य, तो आपको कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में अंतर पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कोशिका द्रव्य जो कोशिका में भरा होता है आप बोल दोगे, लेकिन जीव द्रव्य किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो आपका शब्द है, ये सबसे पहले 1840 में पुरकिंजे ने दिया था, किसने दिया था, पुरकिंजे ने, किसने दिया था, पुरकिंजे ने, ठीक है, पुरकिंजे ने 1840 में प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, ठीक है। अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो आपका ये प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये किस किस से मिलकर बना होता है, देखिएगा प्रोटोप्लाज्म आपका बना होता है किससे मिलकर, ये आपका हो गया क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये हो गया आपका केंद्रक द्रव्य, ठीक है, ये आपका हो गया केंद्रक द्रव्य। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें अंतर क्या है, कोशिका द्रव्य कौन सा है मैं बता रही हूँ, देखिए ये जो आपका भरा है सारा द्रव्य, ये मैंने क्या लिखा है आपका साइटोप्लाज्म, क्या है ये साइटोप्लाज्म, क्या है साइटोप्लाज्म। अब इसको हम प्रोटोप्लाज्म कब बोलेंगे, जब आपके जो केंद्रक में ये द्रव्य भरा है इसको और इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर का जो द्रव्य है आपका, इसके अंदर का द्रव्य और ये वाला जो द्रव्य, तो इसको हम मिला के क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जो केंद्रक का द्रव्य होता है उसको मिला के क्या बनता है आपका, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, लिख लीजिएगा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जीवन का, जीवन का, जीवन का भौतिक आधार है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था, हक्सले ने, किसने कहा था, हक्सले, क्या बोलेंगे, हक्सले। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है, हक्सले ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव्य शब्द दिया था 1840 में पुरकिंजे ने, और जीव द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, ये हक्सले ने क्या कहा, क्योंकि जीव द्रव्य में ही सेल की, कोशिका की सारी जैविक क्रियाएँ होती हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार, ठीक है ना। तो आपका ये शॉर्ट नोट हो गया, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और ये क्या होता है, जीवन का आधार होता है, ठीक है। अब आपको हम लिखवाएंगे आपका साइटोप्लाज्म, आते हैं अपने साइटोप्लाज्म पर, देखिए क्या है साइटोप्लाज्म, है पार्ट नंबर 3, क्या है ये, 3 है, पहला पार्ट था कोशिका कला, दूसरा है कोशिका भित्ति, और तीसरा पार्ट है आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्म, हम इसको इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और
क्या होता है आपके केंद्रक, केंद्रक के बाहर क्या होती है केंद्रक कला। तो कोशिका कला और केंद्रक कला के बीच में जितना भरा है वो आपका क्या है साइटोप्लाज्म। तो इसकी परिभाषा हो गई, क्या हो गई, कोशिका कला, कोशिका कला, कोशिका कला तथा केंद्रक, केंद्रक कला के मध्य, मध्य मध्य बीच में, ठीक है, भरे भरे पदार्थ को, पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं यानी कि मतलब क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एंड एंड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा होता है पदार्थ उसे क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसे क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म, वो आपका क्या हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है आपका, कैसा होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, अर्ध तरल होता है और कैसा होता है रंगहीन होता है, मटमैला टाइप का होता है, ठीक है, कैसा होता है मटमैला, रंगहीन, साफ नहीं होता है यानी कि कैसा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, गाढ़ा होता है थोड़ा सा। और एक चीज आती है आपका, एक शब्द आता है साइटोसोल, 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 साइटोसोल क्या होता है, जिसमें आपके कोशिकांग पड़े रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पड़े रहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं साइटोसोल, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो पदार्थ भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में उपस्थित, उपस्थित कोशिकांग, लिख रही हूँ मैं हिंदी में लिख दूँ, उपस्थित कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग साइटो सोल में ही पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो साइटोसोल होता है वो क्या होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स आपके पड़े रहते हैं। साइटोसोल कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। आपको आज मैंने क्या बताया है, मैंने आपको कोशिका भित्ति बताई है, कोशिका भित्ति की मोटाई बताई थी, कोशिका भित्ति की परिभाषा बताई थी, कोशिका भित्ति के गुण बताए थे, कोशिका भित्ति के कार्य बताए थे, और मैंने बताया था कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल या फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं, ठीक है। प्लांट सेल है ना, लगा लेना, क्योंकि जंतु कोशिका में ये नहीं होता है, आपकी ये टिपिकल क्या हो गई, एक प्लांट सेल हो गई है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति के अलावा एक साइट, आपका तीसरा पार्ट वैसे था साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य था, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, और जीव द्रव्य को हक्सले ने क्या बोला है, ठीक है, जीवन का आधार बोला है। और आपको बताया था मैंने क्या, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका भित्ति और केंद्रक कला के बीच में जो पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म। और आपके जो कोशिकांग हैं वो किस में पड़े रहते हैं, साइटोसोल में। साइटोसोल कैसा होता है, गाढ़ा होता है, है ना, और कैसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू।